चंद्रयान प्रथम की लॉन्चिंग में जो डेटा इसरो के पास मौजूद था वह डेटा जोधपुर के वैज्ञानिक ओपीएन कल्ला ने लेकर उसके ऊपर विशेष रिसर्च किया है। ओपीएन कल्ला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश दाधीच ने। कार चांद पर भारत पहुंच ही गया, यानी चांद भारत की मुट्ठी में है। कल चंद्रयान 3 जो भारत से भेजा गया था वो चांद की सतह पर पहुंच गया है और अब उसने रिसर्च भी शुरू कर दी है। मैं फिलहाल जोधपुर में इसरो के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं ओपीएन कल्ला वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके पास जो चांद की मट्टी है वो मौजूद है और इन्होंने चांद के ऊपर कई रिसर्च की है, उनसे विशेष बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले तो बधाई शुभकामनाएं जो हम चांद पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले तो ये बताएं आपको कि आपका बहुत आभार कि हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 जो है सक्सेसफुली लैंड हो गया एंड ये पहला कंट्री है वर्ल्ड का जिसने कि चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना लैंडिंग किया है। चंद्रमा पे तो अमेरिका कभी से ज्यादा लगा था, आदमियों को भेजा था उन्होंने, अपोलो भेजा था, सब कुछ भेजा था, परंतु चंद्रमा में पानी है उसकी खोज सिर्फ इसरो के चंद्रयान 1 ने करी जिसके अंदर की रडार रखे हुए थे। और ये भी बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको कि चंद्रमा में पानी मिला है जो कि जगह है जहाँ है वहां पे -200 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां पे फ्रोजन वाटर मिला है, बर्फ के रूप में पानी हमको मिला है जो कि मिक्सड है रेत के साथ में। और ये खोज हमारे चंद्रयान 1 के रडार ने की, तो हमारे इंस्टीट्यूट जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेडियो साइंस वहां पे भी हमको प्रोजेक्ट मिला था इसरो से अहमदाबाद से। उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने चंद्रमा की धूल मंगाई और रिसर्च करके हमने भी ये पता किया कि चंद्रमा पे पानी है। ये एक्चुअल चंद्रमा की धूल नहीं है, ये चंद्रमा की धूल के बराबर धूल है। इसके प्रॉपर्टीज जो है केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, फिजिकल है, सब प्रॉपर्टीज एग्जैक्ट चंद्रमा की धूल से मिलती है। और उसके लिए हमने पहले डेटा लिए अपोलो की धूल के डेटा जो थे और हमने हमारे पास ये धूल आई उसके डेटा उसको हमने कंपेयर किया और ये प्रूव किया भी कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किए वो बराबर है, वो उसे कंपेयर करते हैं और उसे मिलते हैं। उसके बाद में फिर अपने रडार के डेटा लेके ये पता किया कि चंद्रमा पे पानी है ये। और अभी चंद्रयान 3 की हम बात जो कर रहे हैं उसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत बधाई है इसरो के साइंटिस्टों को, बहुत बहुत बधाई। कल्ला जी, ये जो चांद की धूल है आपके पास में, इस धूल में क्या मानव जीवन वहां पर व्यापित हो सकता है? देखिए चंद्रमा की जो सतह है जैसा कि हम सब लोग जाते हैं वहां पे हवा नहीं है, वैक्यूम है चंद्रमा के ऊपर, तो जब हवा नहीं है वैक्यूम है तब सांस लेने की तकलीफ होगी ऑब्वियसली, तो आप सांस ले नहीं सकते, इसलिए जीवन का होना इज इम्पॉसिबल, वहां जीवन हो ही नहीं सकता, एक बात। दूसरा हवा के टेम्परेचर जो है वो -200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है जहां पे की रात होती है और जहां दिन होता है वहां पे 200 डिग्री प्लस के करीब टेम्परेचर होते हैं, तो इस टेम्परेचर पे किसी का जिंदा रहना इज ऑल्सो इम्पॉसिबल। तो इसके लिए ये हमको गारंटीड है कि चंद्रमा की सतह पे कहीं पे भी जीवन का होना इज इम्पॉसिबल, नहीं होगा। सर कल्ला जी, चांद पर हम पहुंच चुके, पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा चुका, वहां पर चांद पर कितने दिनों में जो चांद का दो दिन होता है, अगर अर्थ की बात करें अर्थ के कंपैरिजन में कितने दिनों का गैप है? ऐसा है कि जैसे अपने भारत पर अर्थ पे हमारे 12 घंटा दिन होते हैं, 12 घंटा की रात होती है, 24 घंटे में हमारा पूरा निकल जाता है। चंद्रमा पे अर्थ का जो दिन है वहां का एक दिन अर्थ के 14.5 दिन के बराबर होता है, 14.5 दिन निकलेंगे तब उसका एक दिन पूरा होगा और फिर बाद में फिर 14.5 दिन निकलेंगे तो एक रात पूरी होगी, तो वहां का अरेंजमेंट इस तरह से। कारण क्या है इसका, एक हमारे से डिस्टेंस, हमारे से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर है चंद्रमा और सूरज जो है वो भी करीब 40 लाख किलोमीटर के हिसाब से करीब 40 लाख के बराबर दूर है, तो उसके हिसाब से उसका एडजस्टमेंट ऐसा होता है कि चंद्रमा के ऊपर जो दिन और रात जो है पृथ्वी के दिन और रात के कंपैरिजन में इस तरह से एडजस्ट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। ये थे ओपीएन कल्ला जो इसरो में वैज्ञानिक रहे हैं, वहां पर 45 साल इन्होंने रिसर्च किए, वहां पर सेवाएं दी है, अभी इनके पास जो चंद्रमा की जो धूल है जो मट्टी है इसके ऊपर